बी आर्क और एम आर्क में प्रवेश के लिए 26 तक रजिस्ट्रेशन डी टी ई ने शेड्यूल जारी कर दिया है। दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग ने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्क और एम आर्क में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों इन कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। बी आर्क में प्रवेश के लिए नाटा और क्वालिफाइंग एग्जाम कक्षा 12वीं के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। एम आर्क में बी आर्क के रिजल्ट की मेरिट पर मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। दोस्तों एम आर्क में बी आर्क की मेरिट के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा। काउंसलिंग 3 राउंड में होगी। दोस्तों पहले 2 राउंड में सेंट्रलाइज्ड माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेस के तहत प्रवेश मिलेगा। तीसरा राउंड कॉलेज लेवल काउंसलिंग के लिए होगा। डीटीई द्वारा बी आर की 230 सीट और एम आर की 18 सीट हैं। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संचालित आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट में बी आर में सिर्फ 30 सीटें हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया dtee.mponline.gov.in के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया में ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट के माध्यम से काउंसलिंग होगी। दोस्तों dtee.mp.gov.in dtee.mponline.gov.in इस वेबसाइट से ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। ऐसा रहेगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग शेड्यूल 18 से 26 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। 27 से 28 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार होगा। 19 से 31 जुलाई कॉलेजों की चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। 1 अगस्त कॉमन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 7 से 11 अगस्त सीट अलॉटमेंट और कॉलेज में प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग होगी।